ब्रज भूषण ने किया है, सरकार जो कर रही है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला है, जनवादी अधिकारों का हनन है, और जो जंतर मंतर रिजर्व किया गया है कि कोई भी उत्पीड़ित आदमी प्रदर्शन कर सकता है, उसके जनवादी अधिकारों पर हमला है। और ये जो लड़ाई महिला पहलवान लड़ रही है, ये केवल की लड़ाई नहीं है, भारत देश के करोड़ों करोड़ों महिला बहन बेटियों की लड़ाई है, पूरा समाज जो है उनके साथ जुटा हुआ है। जब तक ब्रजभूषण को जेल में नहीं डालेगी सरकार, एक जिन अफसरों ने जो वहाँ अभद्र व्यवहार किया है उनके जांच करके उनके खिलाफ मुकदमे नहीं होंगे, तब तक ये आंदोलन बराबर जारी रहेगा। ये किसी जाति धर्म क्षेत्र का आंदोलन ना होके राष्ट्रवादी जनवादी आंदोलन है। सरकार पिछले अध्याय को देखे, किसान आंदोलन को, ये जो है उस टाइम पे रोटी की लड़ाई थी, आज बेटी की लड़ाई है। बेटियों के साथ अन्याय, जोर और जुल्म किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सांसद भाजपा का गुंजा सांसद, जिस पर कह रही 37 मुकदमे दर्ज है और महिला पहलवानों के साथ सैकड़ों लड़कियों के साथ यौन शोषण किया है, 28 तारीख की घटना देश नहीं भूला, और अभी जो गंगा जी में मेडल बहाने जा रही थी, हमारे किसान नेताओं के अपील के ऊपर इन्होंने रोका है। और अब पूरे देश के अंदर कर्मचारी, मजदूर, किसान, महिला, छात्र मिलकर के इस जंग को आगे बढ़ाएंगे। ये चेतावनी है पूरी तरह से मोदी सरकार को, जो गुंडों को बचा रही है, इसको तुरंत गिरफ्तार करें, और इसके ऊपर जो पोक्सो का एक्ट है, बिल्कुल तुरंत 24 घंटे में जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा इसमें तो हमें आज उत्तराधीन किया है, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है तहसीलदार के माध्यम से। इसमें किसान संगठन है, महिला संगठन है, ट्रेड यूनियन है, कर्मचारियों के संगठन आगे। आज आज बहुत बड़ी रैली मुजफ्फरनगर के अंदर, पूरा यूपी टूट पड़ा, हमारे राजपूत भी आए हुए हैं, और 4 तारीख को कहो किसान संगठन मुडराणा में, खाप पंचायत बकादा दादरी में, और हम भी यहाँ पूरे सोनीपत के संगठनों को तैयार करके जो भी आह्वान होगा हमारी खपों का, किसानों का, ट्रेड यूनियनों का, उसमें पूर्ण जोर तरीके से इस आंदोलन को अमली जमा पहनाएंगे, आखिरी टेल तक ले जाएंगे। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, चैन से नहीं बैठेंगे, और 2024 में इनकी पाख पाड़ के बगा देंगे मोदी सरकार की।